तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को याद है, हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन किया हुआ था अध्याय 3 से संबंधित 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिए। आज किस क्लास में मैं आपको 6 नंबर के लिए पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की सेशन का आनंद उठाइए। देख लीजिए, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा जो मिशन चल रहा था, वो क्या था? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं टेकेश्वर साहू आप लोगों को पढ़ाता हूं कक्षा 10वीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण, और ये होने वाला है भाग चार। भाग एक से लेकर भाग चार तक की ही आपको इसमें क्लास मिलेंगे, इसके अलावा और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इतने ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना बच्चों, बाकी जगह बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। इतने ही क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे में पूरे नंबर गारंटी के साथ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पर आना चाहेंगे। और ये देख लीजिए, हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आइए, और ये पूछा कब गया था, देख लो, 2017 सेट एबीसी। चूंकि ये 6 नंबर के लिए पूछा गया था, तो 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो तीनों सेट में पूछे जाते हैं, एक समान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेट एबीसी तीनों में पूछा गया था 2017 में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर एक समीकरण दिया गया है और उसका हमें मूल ज्ञात करना है। याद कीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्लास पर भी हमने क्या किया हुआ था, मूल ज्ञात किया हुआ था। तो मूल ज्ञात करने के लिए बोल दे या फिर समीकरण को हल करने बोल दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए इसको सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे लिखेंगे कि 6 में 6 नंबर मिलेगा, कैसे लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा हल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन और कॉपी, बिल्कुल हमेशा आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं मेरी क्लास में आए हुए, तो मैं एक उम्मीद करके चलूंगा कि आपके पास पेन और कॉपी तो है ही। बिल्कुल, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, दिया है समीकरण, जो हमें समीकरण दिया है उसी को हम चिपका देंगे। तो दिया है समीकरण, चलिए बोलिए क्या समीकरण हमें दिया गया है। तो हमें जो समीकरण दिया गया है ये है, x+1 / x - 1, फिर माइनस है तो माइनस, x - 1 / x+1 = 5/6। और जो कॉमा करके यहां पर लिखा गया है ना, x is equal to 1 - 1, इसका मतलब ये होता है कि x का जो मान है वो 1 और ऋण 1 नहीं आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो गुणनखंडन विधि से इसको हल करना। ठीक है बच्चों, देखिए, तो गुणनखंडन लगाने से पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मुद्दा यह है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, दो भिन्न दिख रहे हैं, दो हमें भिन्न दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहां पर लघुत्तम निकाला। ये नीचे वाला एज इट इज लिखा जाएगा, नीचे वाला हमारा हो जाएगा लघुत्तम, x - 1 * x + 1 हो चुका। ठीक है, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है सर, बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, x+1 का गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे x+1 के साथ। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, क्योंकि दिक्कत है क्या, x+1 की घात में मैंने लगा दिया 2, क्योंकि ये दोनों समान है ना, तो दो बार गुणा करेंगे तो मैंने सीधा सीधा x+1 की घात में लगा दिया 2, घात में 2 ऐसा लगा सकते हैं, बिल्कुल सर। माइनस है तो माइनस, सेम केस यहां पर भी बनेगा, x - 1 का गुणा x - 1 से करूंगा, तो ये हो जाएगा x - 1 to the power 0, ऐसा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू के बाद क्या है, 5/6 है, 5/6 को भी मैंने उतार दिया, बिल्कुल। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहां पर मुझे दिख गया कि फॉर्मूला लग रहा है, a + b / 2। आपने कक्षा 8वीं का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चलो फॉर्मूला को मैं पहले यहीं पर लिख देता हूं। चूंकि ये होता है a + b² = क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा a - b वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल पावर, ठीक है, 0, क्या बोलते हैं इसको, a - b होल पावर 2। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab हो चुका, बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। ठीक है, चलो यह ब्रैकेट, हां चलो, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो
इसका विस्तारित रूप यह होता है, तो इसी को भी हम इस फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। जहां पर आपको ए दिख रहा है ए की जगह चिपकाना है, एक्स को बी दिख रहा है तो बी की जगह यहां पर क्या बैठा हुआ एक रखना है तो एक रख देंगे। पहले में क्या था ए स्क्वायर था तो एक की जगह आपको रखना एक से, तो ये हो जाएगा एक से स्क्वायर प्लस है तो प्लस। फिर क्या था बी स्क्वायर, बी की जगह रखना एक को, तो ये हो जाएगा एक की घात दो, एक की घात दो करेंगे तो एक ही आएगा, तो सीधे सीधे मैंने एक बस लिख दिया प्लस है तो प्लस। फिर क्या था टू ए बी, यानी कि दोनों काम करेंगे गुणा, तो टू टू पहले मैंने लिखा ए, ए का मान क्या है एक से है और बी का मान क्या है एक है, तो एक से का गुणा मैं करूंगा एक से, तो एक से ही आएगा ना, तो डायरेक्टली मैंने यहां पर लिख दिया एक्स। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाया, फिर एक से माइनस वन की घात में है दो, इसका विस्तारित रूप यह होता है, तो बच्चों हम इसी रूप में इसको चेंज करके लिखेंगे। एक ही जगह यहां पर देखो, यहां पर एक ही जगह क्या दिख रहा है एक से दिख रहा है, तो एक ही जगह हम रख देंगे एक से को, बी की जगह यहां पर आपको क्या दिख रहा है एक दिख रहा है, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे एक को रख देंगे। आ जाइए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले पद में क्या था ए स्क्वायर, तो ए की जगह मैं बोल रहा हूं कि एक से को रखो, घात में दो है तो घात में मैंने लगा दिया दो। फिर था प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या है एक है, तो एक की घात दो करेंगे तो एक ही आएगा, तो ये लिखा गया केवल एक। फिर क्या था माइनस टू ए बी, तो माइनस मैंने लिखा टू, ए की वैल्यू रखना है आपको एक से को, फिर बी की वैल्यू क्या रखना है एक को रखना है, तो इसका गुणा हम करेंगे एक से, तो हमें यही मिलने वाला है, तो मैं एक को लिखने की जरूरत नहीं समझता हूं, ठीक है। बटे में देखो, तो बटे में क्या दिया गया देखो, बटे में क्या करेंगे x का गुणा जो है वो इन दोनों पदों के साथ होगा और ऋण एक का गुणा इन दोनों पदों के साथ होगा। तो सबसे पहले हम x का गुणा करेंगे x से, तो गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2x नहीं बोलना है, गुणा कर रहे हैं तो भाई यहां पर देखो ये x का गुणा करेंगे x से, तो यहां पर आधार समान है तो घातों को हम जोड़ते हैं ना, घातांक का नियम लगा हुआ है, घात एक यहां पर है घात एक यहां पर है, तो 2x की होगा x स्क्वायर होगा, अगर दोनों को जोड़ते हैं x प्लस x तो 2x होता, गुणा कर रहे हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कहानी क्लियर है, चलो आ जाओ। फिर x का गुणा मैं करूंगा इस x से, तो प्लस x ही लिखाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस एक का गुणा करेंगे एक से, तो ये माइनस एक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस एक का गुणा करूंगा प्लस एक के साथ, तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे एक से तो ये एक ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के बाद और कुछ था, 5/6 था, उतार देते हैं, 5/6 हो चुका, ठीक है, आराम से समझने, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो आ जाओ, चलिए अब क्या करेंगे, चलो पहले इसको मैं दो पार्ट में बांट देता हूं ताकि मैं सारी चीजें आपको एक ही स्लाइड में समझा पाऊं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ठीक है। देखो तो अब हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा ये। फिर क्या था, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहला वाला जो दिया गया था उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा एक से स्क्वायर प्लस वन प्लस ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स, ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है। ये लाइन हमें एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं थी, यहां से इसको मिटा सकते हैं क्या, नहीं मिट रहा है, एक मिनट ना, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो हम क्या करेंगे देखो, एक सेकंड एक न्यू स्लाइड एडिट करते हैं, वहां पर समझा देता हूं आपको, आ जाओ। अब इधर देखो, आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या सॉल्व हो जाएगा। देखो इस स्लाइड को हमें हटाना पड़ेगा एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते यहां से इसको, चलो आ जाओ। अब देखो इधर आ जाओ, तो अब क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा, पहले वाले को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया। माइनस का गुणा हम इन तीनों पदों के साथ करेंगे, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, धन वाला ऋण में और ऋण वाला धन में लिखा जाएगा, तो ये धन में है तो ये लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस वन था तो ये माइनस वन हो जाएगा, अब ये माइनस टू एक्स था तो ये प्लस टू एक्स हो जाएगा। बटे का जो भी दिया गया उसको उतार देना है, तो बटे में क्या दिया था देखो, यहां पर एक्स और यहां पर माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो गया, तो एक से स्क्वायर माइनस वन बच चुका, एक से स्क्वायर माइनस वन, बराबर के बाद क्या था 5/6, 5/6 को भूलना बिल्कुल नहीं है, ये हो गया, ठीक है। चलो आगे इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर एक से स्क्वायर धन में था, यहां पर एक से स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल हो गया, यहां पर देखिए ये प्लस में था और ये माइनस में था, ये भी कैंसिल हो गया, तो 2x और ये प्लस 2x दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4x और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या है 5/6 है, क्या बच्चों 5/6 है। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर।
अब क्या करेंगे हम तिरिया गुणा करेंगे, छह का गुणा करूंगा मैं यहां पर चार एक्स से, तो ये हो जाएगा छह चौक चौबीस एक्स, छह चौक क्या हो चुका चौबीस एक्स हो चुका बराबर। अब पांच का गुणा इन दोनों पदों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस पांच का गुणा करेंगे एक से तो ये हो जाएगा पांच। सबको एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या लिखूंगा मैं इसको इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा ठीक है। तो मैं फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैं इसको इस साइड पक्षांतर कर रहा हूं तो ये धन में है तो उधर जाकर लिखा जाएगा ऋण चौबीस एक्स बराबर जीरो, बराबर जीरो लिखा जाएगा क्योंकि इसको पक्षांतर करूंगा तो इधर क्या बचेगा जीरो बचेगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जमा के लिख लूं क्या, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस चौबीस एक्स को पहले मैंने लिख दिया फिर माइनस फाइव को बराबर करके जीरो लिख दिया, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या। अब हमें एक अच्छे से दिख रहा है कि एक वर्ग समीकरण बन चुका, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये उसी रूप में लिखा चुका है, ये हमें पहले ऐसा दिया गया था, ऐसा समीकरण दिया गया था, उसको हमने सॉल्व किया अच्छे से आर्दस लाए फिर हमें यहां पर एक समीकरण मिल चुका है, वर्ग समीकरण मिल चुका है। अब इसको हमें हल करना है, किस मेथड से हल करना है, तो हल करना है गुणन खंडन, और गुणन खंडन से हल करना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सीख लेंगे, आ जाओ। तो एक बार मैं क्या करूंगा फिर से उसी समीकरण को उतारना चाहूंगा, देखो यहां पर मैं इसको समझा देता हूं। तो हमें क्या समीकरण मिला है, फाइव एक्स स्क्वायर फिर क्या था माइनस माइनस ट्वेंटी फोर एक्स फिर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हमें समीकरण मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं क्या, मध्य पद को तोड़कर हमें गुणन खंडन करना है, तो यहां का एक्स स्क्वायर का गुणांक को देखते हैं पांच है और लास्ट पद में क्या है पांच है, तो पांच का गुणा हम इसके लास्ट वाले पद के साथ करेंगे पांच के साथ, तो हमें मिल चुका पच्चीस, क्या मिल चुका पच्चीस मिल चुका, इसको मैंने रफ में लिख लिया। अब आपका फोकस होना चाहिए कहां पर, चौबीस एक्स पर होना चाहिए ठीक है, एक्स को फिलहाल बाद में काम करेंगे इसका, हम ध्यान दे रहे हैं केवल और केवल ऋण चौबीस पर ध्यान दे रहा हूं, मैं किस पर ध्यान दे रहा हूं ऋण चौबीस पर ध्यान दे रहा हूं। तो अभी हम ऋण को भी छोड़ते हैं केवल फोकस करते हैं चौबीस पर, चौबीस को हमें ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक करना रहता है, तोड़ना रहता है, जिससे हम गुणा करें तो पच्चीस आना चाहिए और उन दो संख्याओं को जोड़ दें या फिर घटा दें तो चौबीस आना चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, तो इसको जांचने का मैंने आपको तरीका बताया होता है, याद कीजिए हम निकालेंगे पच्चीस का फैक्टर, यानी कि पच्चीस कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़े पर आता है, तो एक के पहाड़े पर बिल्कुल आता है, पांच के पहाड़े पर बिल्कुल आता है, और किसके पहाड़े पर आता है ये, अब सीधा 25 के पहाड़े पर आता है, तो 25 जो है वो एक पांच और 25 इतने तीन ही संख्याओं के पहाड़े पर आता है, तो जो मैं दो संख्या के बारे में बोल रहा था ना वो दो संख्या इन्हीं में से कोई होने वाला है, तीन में से कोई दो होने वाला है। अब इनमें से हमारा काम का कौन कौन है ठीक है, दिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा शर्त था कि दो दोनों को गुणा करेंगे तो 25 आना चाहिए और प्लस कर दे या फिर माइनस कर दे तो 24 आना चाहिए। तो देखो बच्चों एक और पांच को तो ले नहीं सकते, एक और पांच का गुणा करेंगे तो पांच ही आएगा, हमें तो आना है 25। तो अगर मैं 25 का गुणा कर दूं एक से तो 25 से कम 25, पहली कंडीशन सेटिस्फाई था बिल्कुल। अब यहां पर हमें ऋण 24 लाना है, तो मैंने अगर ऋण 25 में अगर धन एक जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा ऋण 24 मिल जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। तो हम 24 को कौन कौन सी संख्या में तोड़ने वाले हैं, एक और 25 में ठीक है बच्चों, यहीं पर मेन खेल रहता है, 80% काम आपका यहीं पर रहता है, ये कर लिया तो आगे सॉल्व करना ये आपके लिए बच्चों वाला खेल हो जाएगा, आ जाओ ठीक है। चलो और इसको जांचने का तरीका मैंने आपको बता दिया रफ में करना ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, देखो ये क्या हो जाएगा, तो बराबर 5x स्क्वायर को हम पहले उतार देते हैं और ऋण 5 को भी हम एज इट इज उतार लेते हैं, बराबर के बाद जीरो, फिर ऋण 24। तो मैंने यहां पर इसको दो संख्याओं में तोड़ा हुआ था, ऋण 25 एक्स और इसमें हम एक एक्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वापस से ऋण 24 एक्स मिल जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ये लाइन नहीं खींचना है, ये लाइन नहीं खींचना, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर मुझे पांच दिख रहा है, यहां पर भी पांच छुपा हुआ है, 25 को हम लिख सकते हैं पांच गुना पांच, यानी कि हम दोनों जगह से पांच को कॉमन निकालिए, एक से स्क्वायर यहां पर है और यहां पर एक से है, दोनों में एक से है, एक से को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पर एक से स्क्वायर था, एक एक से को कॉमन निकाला तो अभी भी एक से बचा हुआ है, पांच को हमने कॉमन निकाल लेना ठीक है। फिर माइनस तो माइनस
25 को हमने लिखा हुआ था 5 × 5, एक 5 को कॉमन निकाला है तो अभी भी एक 5 बचा हुआ है, एक से को कॉमन निकाले तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा, एक से माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर देखो यहां पर एक से माइनस 5 है, यहां पर भी एक से माइनस 5 है, नेक्स्ट स्टेप में हम एक से माइनस 5 को कॉमन निकालिए। जब यहां से एक से माइनस 5 को मैंने कॉमन निकाला तो अभी क्या दिख रहा है मुझे, 5 एक से दिख रहा है। अब यहां पर हमने एक से माइनस 5 को कॉमन निकाला तो इसके जगह बचेगा प्लस 1, क्या बचेगा बच्चों, प्लस 1 बचेगा, 0 नहीं लिख देना है, कॉमन निकालेंगे तो एक बचेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर के बाद जो जीरो लिखा हुआ है वो इसका भी है, इसका भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो एक से माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, वह ये हो जाएगा 5 एक से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे इसको हल करते हैं। देखो तो एक से का मान हमें निकालना है, तो ऋण 5 को पक्षांतर करूंगा तो ये बदल चुका धन 5 में, वह ये देखो ये हो जाएगा 5 एक से इज इक्वल टू माइनस 1, पहले मैंने माइनस 1 को पक्षांतर कर दिया, सॉरी प्लस 1 को पक्षांतर किया तो माइनस 1 में चेंज हो चुका। चलिए अब क्या करेंगे, देखो एक से इज इक्वल टू 5, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, एक से का मान यहां से निकल चुका, वह एक से के साथ जो 5 गुणा में है वो कहां पर जाता है, भाग में जाता है। तो एक से के हमें 2 मान मिल चुके, एक से के हमें कितने मान मिल चुके, 2 मान मिल चुके, 5 व ऋण 1/5, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अतः एक से बराबर, अतः दिए गए समीकरण के मूल, यहां पर हम लिखेंगे मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 5 व ऋण 1/5 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ जाओ लिख देते हैं, इतना सॉल्व कर लिए तो एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है। अतः दिए गए समीकरण के मूल एक से बराबर, एक से के 2 मान हमें मिले हैं, 5 व ऋण 1/5 है, यह हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर हमने यहां पर लिख दिया। यह है आपको 6 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन, क्या है 6 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से राइटिंग बना के अपने फेयर कॉपी में लिखना है, और ये अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी तरह से आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, एक नंबर नहीं कटने वाला, पूरा में पूरा मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। चलिए समझ में आ गया, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए, हमें यहां पर एक समीकरण दिया गया है और सूत्र विधि से हल करने के लिए बोला गया है, आपने पढ़ा हुआ सूत्र विधि के बारे में। ठीक है बच्चों, अब सूत्र विधि से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर देंगे। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये पूछा नहीं गया था लेकिन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, तो हम टाइप साफ क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं तो ये टाइप को क्यों छोड़ेंगे, इसको भी कर लेते हैं। आ जाओ, सीखना ही है ना, तो सीखने के लिए आप में ललक होनी चाहिए, जितना मिले उतना सीख लेना चाहिए। चलो सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछेंगे तो हमें थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ेगा। तो दिया है समीकरण, पहले स्टेप में मैंने लिखा दिया है समीकरण। चलो तो जो समीकरण हमें दिया गया उसको हम उतार लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें समीकरण दिया गया है। चलो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण एक की तुलना चलो किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण से करेंगे। समीकरण एक की तुलना मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण, और मानक वर्ग समीकरण हमारा क्या होता है, ये होता है, देखो नए कलर से लिखता हूं उसको, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा मानक वर्ग समीकरण। से करने पर आपको अलग अलग कलर यूज नहीं करना बच्चों, एक ही कलर में जब एग्जाम लिखोगे तो एक ही कलर का यूज करना, अलग अलग कलर बिल्कुल यूज नहीं करना, अच्छा दिखेगा अगर कैसे नहीं करना है, राइटिंग आपको अच्छा बनाना है, लेकिन मैं यहां पर अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं लेकिन हाईलाइट करने के लिए, आपको एक ही कलर का यूज करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सर। तो तुलना करेंगे तो हमें मिलता क्या है, तो तुलना करने से हमें मिलता क्या, एबीसी का ही मान मिलता है ना, तो तुलना करने वाला है। तो देखो अब आपका जो पूरा फोकस है वो मानक वर्ग समीकरण और दिए गए समीकरण में होना चाहिए। पहले पद को देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर, यहां पर 9x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसर, तो एक ही जगह मुझे दिख गया यहां पर 9, तो ए बराबर हमें मिल चुका 9, ए बराबर क्या मिल चुका, 9 मिल चुका। चलो कोई दिक्कत नहीं,
यहां पर भी एक्स है, यहां पर 7x है, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हुआ, तो b बराबर हमें यहां पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो b बराबर क्या हुआ सर, 7 हो चुका। b बराबर क्या हुआ, 7 हो चुका। फिर लास्ट वाले पर देखते हैं, तो c बराबर यहां पर मुझे दिख रहा है ऋण 2, तो c बराबर ये हो चुका ऋण 2। ए बी सी का मान मिल चुका, लेकिन मुद्दा ये है सर, हम ए बी सी का मान निकाले क्यों है, करेंगे क्या, क्या इसकी जरूरत पड़ने वाली, तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना, आ जाओ इधर आओ। देखो हमें बोला गया था इस समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करना करके, तो हम यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला सूत्र, अतः सूत्र से देखो एक से कमान हम निकालने वाले हैं, तो अतः सूत्र से यहां पर मैं एकदम छोटा सा फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उस फॉर्मूले को पूछ लिया जाता है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हमारा सूत्र क्या होता है, देखो ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, सूत्र विधि से हल करने के लिए बोला गया, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ए बी सी का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, बस यहां पर चिपका देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे सर, आ जाओ। चलिए तो देखो अब क्या हो जाएगा आगे की कहानी, तो एक से बराबर क्या हो, देखो एक से बराबर माइनस बी, तो माइनस के पहले हमने चिन्ह लगाया बी, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू हमने निकाला हुआ था 7, तो डायरेक्टली मैं यहां पर ऋण 7 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, चलो फिर क्या था, प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस मैंने लगाया, फिर लगाते हैं बड़ा सा वर्गमूल, फिर था बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 माइनस फिर 4 था, ए की वैल्यू क्या है 9 है, तो गुणा में हम लिख देंगे 9, फिर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है ऋण 2 है, तो यहां पर आ चुका ये ऋण 2। चलो बटे में कुछ और था, बटे में क्या था 2a था, तो 2a की वैल्यू क्या था, a कहां गया, a बराबर था 9, तो यहां पर आ जाएगा गुणा में 9 आ चुका, ये हो गया 9। चलिए आगे इसको हल करते हैं, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 49, फिर देखो यहां पर ऋण है, यहां पर भी ऋण है, दोनों का गुणा होगा तो ये धन बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया। फिर देखो यहां पर मैं गुणा करूंगा 9 का गुणा करूंगा 2 से, तो हो जाएगा 9 × 2 = 18, 18 का गुणा करेंगे यहां पर 4 से, तो 18 × 4 हो जाएगा 72, कितना हो चुका है 72 हो चुका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में आ जाएगा 9 का गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, कोई दिक्कत नहीं सर, वहां तक की कहानी क्लियर है। तो x इज इक्वल टू अब क्या मिलेगा, -7 प्लस माइनस को एज इट इज मैंने लिखा, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 2 ये हो जाएगा 11 का 1 आ गया, हासिल में 1 बचा हुआ है, तो यहां पर 7 और ये 4 11 और 1 हासिल का, ये हो जाएगा 12, 121 आ चुका, बटे में आ चुका ये 18। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू अब क्या मिलेगा, देखो -7 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहां पर थोड़ी देर रुकना है और सोचना है कि 121 जो है वो कौन सी संख्या का वर्ग है। तो बच्चों आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखना है, तो मुझे पता है कि 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है, बटे में क्या आ जाएगा 18, बटे का 18 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कहानी क्लियर है। तो x = -7 प्लस माइनस, यहां पर देखो बच्चों यहां पर हम इसको रफ में, चलो सॉल्व करके बताता हूं इसको, यहां पर लिखा हुआ था 11 की घात 2 है, अब 11 की घात 2 को हम एज इट इज लिखते हैं, इस वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात पर लिखते हैं, ये 2 और ये 2 निपट जाता है, तो हमें फाइनल क्या मिलता है 11 मिलता है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली 11 लिख देंगे, तो इसके जगह क्या लिखा जाएगा 11/2 आ जाएगा ये 18, क्या आ चुका 18 आ चुका। ठीक है, ये मैंने आपने रफ में समझाने के लिए बताया, तो यहां से मैं इसको मिटा दिया। ठीक है, चलो देखो तो x = हमें ये मिल चुका, और हमें पता है कि वर्ग समीकरण में हमेशा हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं, 2 हल प्राप्त होते हैं, तो यहां पर भी 2 हल प्राप्त होने वाले हैं। एक बार मैं क्या करूंगा पता है, मैं धन चिन्ह लूंगा और सेकंड टाइम में मैं क्या करूंगा ऋण चिन्ह लूंगा, तो 2 हमें x के मान मिलने वाले, अलग अलग मान मिलने वाले। आ जाओ क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, चलो पहले हम धन चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो x = देखो यहां पर 2 चिन्ह लगे हुए थे ना, उससे पहले -7 को मैंने उतार दिया, -7 तो मैंने उतार दिया, 2 चिन्ह लगे हुए प्लस और माइनस, एक चिन्ह हम ले रहे हैं प्लस, पहले ले रहे हैं प्लस को, तो प्लस लगाया बटे में आ जाएगा, पहले लिखा गया 11 बटे में क्या था फिर 18 था, यहां पर 18 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की कहानी क्लियर है सर। चलो तो x = देखो
यहाँ पर हम 11 में 7 घटाने वाले हैं। क्या घटाने वाले हैं? 11 में 7 घटाने वाले हैं। तो क्या मिलेगा 11 में जब हम 7 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है ना, 4 मिल जाएगा, 4 मिल गया। तो ये हो जाएगा 4/18 मिर्चो घटाने, ठीक है। अब इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं क्या? 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 2 × 18। तो 1 से बराबर हमें मिल चुका 2/9, 1 से बराबर 2/9 मिल चुका क्या? बिल्कुल सर मिल चुका, 1 से बराबर क्या मिल चुका? 2/9 मिल चुका, ठीक है। चलिए हाँ देखो, अब एक बार हम लेने वाले हैं ऋण का चिन्ह। क्या लेंगे बच्चों? ऋण का चिन्ह लेने वाले हैं। तो यहीं पर मैं लूंगा, यहां पर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, बांट दिया 2 भागों में। अब हम लेने वाले हैं एक, यहां पर हम लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, चलो ऋण चिन्ह भी ले लेते हैं। तो ऋण चिन्ह लेने पर तो एक से बराबर क्या मिलेगा? देखो यहां पर आते वापस से, तो -7 को पहले मैंने उतारा, फिर यहां पर 2 चिन्ह आपको दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। प्लस का हम काम कर चुके, अब माइनस का काम करेंगे। तो माइनस यहां पर लगाया, फिर ये हो जाएगा 11/18 आ जाएगा ये 18। चलो इसको आगे हल करते हैं। तो 1 = -7 - 11 दोनों जुड़ जाएंगे और ऋण का चिन्ह लग जाएगा, ऋण 18 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये 18 से ये 18 निपट गया, तो 1 = -1 मिल चुका। 1 = क्या मिल चुका बच्चों? -1 मिल चुका। हमें निकालना क्या था? हमें इसको हल करना था। अतः दिए गए समीकरण के 2 हमें हल प्राप्त हुए, 1 = -1 और दूसरा क्या मिला? 2/9। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना काम कर ले, तो लास्ट लाइन में अपने आंसर को भी लिख लेते ना, आ जाओ देख लो क्या हो जाएगा। अतः देखो ये क्या हो जाएगा, अतः दिए गए समीकरण के हल 1 से बराबर, 1 से क्या हमें 2 मान मिले हैं। पहला मान क्या था? 2/9 और दूसरा मान क्या हमें मिला हुआ है? ऋण 1 है। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट लाइन अपने आंसर को लिख देना है। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात किया हुआ है। पहला नंबर का क्वेश्चन ये था हमारा, जहां पर मूल निकालने के लिए पूछा गया था, मूल पूछे या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूछा, दोनों का मतलब एक ही होता है, मूल कहे या फिर हल करने के लिए कहे, दोनों को एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना रहता, ठीक है। फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन हमने बात किया हुआ था, एक वर्ग समीकरण दिया था जिसको हमने सूत्र विधि की सहायता से हल किया था। यह क्वेश्चन कभी आया नहीं है लेकिन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है बच्चों। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, हाँ, लेकिन इसी टाइप के ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। बस 9 की जगह 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिखकर दिया जा सकता है, डेटा चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन आपका सॉल्व करने का जो तरीका, मेथड है, जो फॉर्मेट है, वो एज इट इज रहने वाला, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करना ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अध्याय 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होता है समांतर श्रेणी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।